यदि आपको काजू कतली खाने का शौक है, बनाना चाह रहे हैं लेकिन आपसे कभी सही बनती नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से काजू कतली बनाना बताया है, स्टेप बाय स्टेप। आप मेरा ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें। वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे काजू कतली, तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। तो काजू कतली बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं काजू। इसमें साबुत काजू भी आते हैं लेकिन वो क्या थोड़े महंगे पड़ते हैं, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा महंगे काजू नहीं लेने हैं। इस तरह मैंने यहाँ पर दो टुकड़े के काजू लिए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह के हमें यहाँ पर काजू लेने हैं। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि काजू जो है बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। इसके ऊपर जो छिलका आता है वो यदि है तो आप हटा दें, कोई ख़राब काजू है तो उसे आप निकाल दें। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपको हलवाई स्टाइल में काजू कतली बनाना बताऊँगी, तो हलवाई अक्सर इसी तरह की काजू कतली बनाते हैं, यानी कि वो काजू को भिगो के बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले काजू को अच्छे से वॉश करना है। दो से तीन बार हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हमें इसको पानी में भिगो के रखना है, यानी कि दो घंटे हमें इसको पानी में भिगो के रखना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले से ही पानी में भिगो के रख दिया था, काजू अच्छे से फूल गए हैं। अब इसका हमें पानी निकालना है। जिस तरह मैं वीडियो में निकाल रही हूँ उसी तरह आप सारे काजू का जो है पानी निकाल लें। अब काजू कतली बनाने के लिए हमें लेनी है शक्कर, तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम काजू में 200 ग्राम शक्कर ली है। ये रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है, तो शक्कर को मैंने यहाँ पर अच्छे से नाप लिया है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले शक्कर को पीसना है, तो मिक्सी का मैंने यहाँ पर लिया है जार, और शक्कर को सबसे पहले हमें अच्छी तरह से पीसना है। अब देखिए हमने शक्कर को तो पीस लिया है, अब हमें पीसना है काजू को। तो काजू को पीसने के लिए मैंने मिक्सी के जार में काजू को डाल दिया है, और हमें ये ध्यान रखना है कि काजू को हमें एक साथ नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें काजू को पीसना है और रुक रुक के ही हमें इसको पीसना है। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने थोड़ी सी देर मिक्सी को चलाया और बीच में रुक गई, ऐसे रुक रुक के पीसना है, क्योंकि काजू को हम लंबे समय तक एक साथ नहीं पीस सकते हैं। बीच में थोड़ा सा हमें इसमें पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है। जितना कि आसानी से हम काजू को पीस लें उतना ही हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हमें फिर से काजू को मिक्स करना है, और फिर से हमें एक बार मिक्सी चला लेंगे। इस तरह हमें ये प्रोसेस दो से तीन बार करना है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि पानी जहाँ तक हो सके हमें बहुत ही कम ऐड करना है। तो यहाँ पर हमें काजू को बिल्कुल बारीक पीसना है। कुछ ऐसे छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जिसका कि यदि हम फॉलो करेंगे तो हमारी जो काजू कतली है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जो शक्कर हमने पीसी थी उसको हमने पैन में डाल दिया है, और जो काजू का पेस्ट हमने बनाया था वो भी हमें उसी पैन में डालना है, और दोनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने गैस ऑन नहीं किया है क्योंकि पहले हमें इनको अच्छे से मिक्स करना है। जिस तरह वीडियो में बताया जा रहा है उसी तरह आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। यदि इस पेस्ट में यदि आपके कुछ लम्स या दाने रह गए हैं, काजू अच्छे से नहीं पिसे हैं, तो आपको यहाँ पर एक स्टेप और करना है, जो कि मैं भी अभी करूँगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि काजू को जब हम पीसते हैं तो उसमें दाने रह ही जाते हैं, काजू जो अच्छी तरह से पिसता नहीं है। तो यहाँ पर इसे हम फिर से एक बार मिक्सी में चला लेंगे। मिक्सी में चलाने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। उस पेस्ट को हम एक पैन में डाल लेते हैं। यदि आप इस तरीके से काजू कतली बनाएंगे तो आपकी काजू कतली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम इसको मिक्सी में पीसते हैं तो काजू जो है बारीक नहीं पीसते हैं, इसके कुछ ना कुछ जो है दाने रह ही जाते हैं। तो इस तरह हम इसको दोबारा मिक्सी में पीस लेंगे, जिस तरह आपने वीडियो में देखा है। तो मैंने यहाँ पर पैन में पेस्ट को अच्छे से पीस के डाल दिया है। अब हमें यहाँ पर गैस पर मैंने पैन रख दिया है, और कम फ्लेम पे हमें यहाँ पर काजू को सेकना है। और एक बात का हमें यहाँ पर और ध्यान रखना है कि हम इसको जो भी इसका पैन लेंगे ना, वो बिल्कुल मोटे पैंदे का होना चाहिए या फिर नॉन स्टिक होना चाहिए। कढ़ाई आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसके जो नीचे का तल्ला है वो जो है भारी होना चाहिए। इस तरह हमें इसको कम फ्लेम पर ही सेकना है, और लगातार हमें इसको हिलाते रहना है। इस प्रोसेस में हमें कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। इस तरह आप देख रहे हैं सेकते सेकते जो है पेस्ट बिल्कुल गाढ़ा होने लग जाएगा, और बिल्कुल जो है ये किनारे भी छोड़ने लगेगा, जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर पेस्ट को सेकते सेकते 10 से 15 मिनट हो गए हैं, लगभग हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। लेकिन आप नए बिगनर्स हैं तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, तो इसके लिए भी मैं आपको
एक चीज़ बताऊंगी जिससे आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन यदि आप रोज़ बनाते हैं तो जिस तरह आप देख रहे हैं ना, इस तरह गोल गोल लोइया जैसी बन रही है। बस यही स्टेप है जब हमें यहाँ पर गैस को बंद करना है, यानी कि इस स्टेज पे हमें गैस बिल्कुल बंद कर देना है। हमारा जो मिश्रण है बिल्कुल तैयार हो गया है, लेकिन यदि आप नए हैं, आपको पता नहीं है कि कब हमें गैस को बंद करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि थोड़े सी लोई जो है हमें ठंडी करके इस तरह हाथ पे लेनी है, और यदि ये गोल गोल सी लोई बन जाए तो इसका मतलब है कि हमारा जो मिश्रण है बिल्कुल कतली बनाने के लिए तैयार है। तुरंत गैस बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको हम ठंडा होने देंगे। 2 मिनट बाद जब तक हम आगे की तैयारी भी कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर ली है एक प्लास्टिक की पन्नी, जिसको यहाँ पर मैं घी से अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ, ताकि जो हम कतली बेले तो वो चिपके नहीं और आसानी से बनाने में आ जाए। तो यहाँ पर अब हम इस सारा मिश्रण जो है इस पन्नी पर हम डाल लेते हैं। पूरा बैटर इसमें डालने के बाद हमें यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप करना है, जिससे जो है हमारी काजू कतली बहुत ही अच्छी चिकनी और टेस्टी बनेगी, बिल्कुल मक्खन के जैसे मुलायम बनेगी। तो यहाँ पर हमने जो प्लास्टिक की पन्नी ली है, जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं ना, उसी तरह हमें इसको पलट पलट के और इस बैटर को जो है बिल्कुल हमें चिकना करना है, स्मूथ करना। आप देख सकते हैं बैटर जो है कितना चिकना हो रहा है, हमने इस पर कुछ भी नहीं लगाया, अपने आप ही जो है कितना शाइन मार रहा है। तो यह प्रोसेस हमें 5 से 7 बार इसको ऐसे करना है, जिस तरह हमारा जो बैटर है बिल्कुल ही अच्छे से और स्मूथ हो जाएगा। अब हमें इस तरह एक लोई बनानी है और बेलन की मदद से हम इसको लंबा कर देंगे। ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं बेलना है, थोड़ा हमें मोटा ही रखना है, क्योंकि काजू कतली जो होती है ज़्यादा पतली नहीं होती, थोड़ी मोटी ही होती है। इस तरह मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से बेल लिया है। अब आप चाहे तो इस पर जो सिल्वर वर्क आता है वो लगा सकते हैं, और आप चाहे तो इसको स्किप करके केसर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको सिल्वर वर्क लगा के ही काजू कतली बनाना बताऊँगी। तो इस तरह हम यहाँ पे सिल्वर वर्क लगा देंगे और कॉटन से हम इसको जो है अच्छे से प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर सिल्वर वर्क हमने लगा दिया है, अब इसको हम ढक के थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं, यानी कि 2 से 3 घंटे हम इसको बिल्कुल सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि जो काजू कतली है हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यदि हम इसे इस समय काट देंगे तो वो जो है हार्ड हो जाती है, तो थोड़ा सा सेट होने के बाद ही हमें कोई भी बर्फी हो उसको हमें थोड़ा बाद में ही काटना चाहिए। तो प्लास्टिक पन्नी से मैंने यहाँ पर जो हमने काजू कतली बनाई थी वो मैंने उस पर से हटा कर एक जो है बोर्ड पे रख दिया है। अब इसको हम कट करेंगे, पहले हम साइड से कट कर लेते हैं। बिल्कुल आप देखिए बड़ी ही आसानी से जो है ये कट हो जाता है, और बहुत ही अच्छी और टेस्टी हमारी काजू कतली बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर हम साइड से, दोनों साइड से हम कट कर लेते हैं, और लंबी लंबी साइड से जो है हम इसको कट कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया और नरम काजू कतली हमारी बनकर तैयार हुई है। बस इस तरह हम लंबे लंबे कट लगा देंगे, और इस तरह हम साइड से भी इसको कट कर देंगे, जिससे हमारी जो काजू कतली का जो शेप होता है बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी काजू कतली बनकर तैयार हुई है। जिस तरह हलवाई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह की हमारी काजू कतली बनी है, आप देख सकते हैं। यदि आप बिगनर्स हैं और पहली बार काजू कतली बना रहे हैं, तो इस तरह आप जैसे मैंने वीडियो में बताया है, कुछ पॉइंट बताए हैं, कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, तो उसको आप फॉलो करके यदि आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपकी काजू कतली परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएं, ताकि इसी तरह के आगे नए वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।